मंच पर विराजमान हमारे भारत के गौरव, साथ ही भविष्यकर्ता अब हम लोग प्राचीन हो चुके हैं। अब इस देश का गौरव उठाना है राजन साजन मिश्रा को, अमजद अली खां को, नुसरत साहब को, जाकिर को और सुबह को। हमें एक बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है जो कि उस्ताद हाफिज अली और इस परिवार से हमारे परिवार का रिश्ता क्या है, ये मैं आप लोगों को बतला दूं कि उस्ताद मुराद अली खान साहब के साथ हमारे दादा पंडित भैरव सहाय जी की एक जोड़ी थी जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। उन लोगों का घटना है, महाराज दरभंगा के सामने दोनों आदमी बजा रहे थे और ऐसा बढ़िया बजाया कि महाराज ने अपने दोनों हाथ का हीरे का कड़ा उतार के एक उस्ताद मुराद अली के हाथ के हाथ में और एक भैरव सहाय जी के हाथ में पहना दिया कि हमारे जैसे हाथ में यह हीरे का कड़ा शोभा नहीं देता, आप लोगों के हाथों में यह शोभा देगा। उसके बाद दूसरा पुष्प उस्ताद हाफिज अली खां का हुआ। उनके साथ हमारे पिताजी की ऐसी जोड़ बैठती थी कि जिसका जवाब नहीं था। जहां जहां ये लोग बजाते थे, हम उम्मीद है उस वक्त 15-16 साल के रहे होंगे, कलकत्ता बारिकपुर में ग्वालियर महाराज की एक कोठी है जहां पर कि बहुत से गाने बजाने वालों का प्रोग्राम हुआ था। सुबह 4 बजे उस्ताद हाफिज अली खान साहब बैठे और तबले पर पिताजी बैठे। वो जोगिया जैसा हमने सुना है खान साहब से, आज तक हम न किसी गायक से वैसा सुना न किसी तंत्र वादक से सुना। जो हमारे दोस्त हैं तो इनको पहले दिया जाए, ऐसी बात नहीं। इन लोगों ने सर्वदा अपने मेंबरों से चुन चुन के अच्छे अच्छे कलाकारों को दिया है। जैसे आज देखिए, जिसे इंग्लिश में कहा जाए कि आजकल लोग दुकान खोलते हैं तो लिख देते हैं A to Z, तो आज भी ऐसा ही एक सम्मान हुआ है कि जहां पर असगरी भाई जैसा ध्रुपद गायिका को सम्मान दिया गया है, वहीं पर कव्वाली गाने के उपलक्ष में नुसरत फतेह अली खान साहब को अवार्ड दिया गया। तो ये A to Z है कि संगीत में किसी कला का कला को न तो छोटा समझा जाता है और न किसी को बड़ा समझा जाता है। जो आनंद ध्रुपद गायन में है, वही आनंद कव्वाली गायन में भी है, बशर्ते कि स्वर लय का पूर्ण कलाकार हो। नहीं तो बड़े बड़े ध्रुपद गाने वाले इतना बेसुरा इतना बेताला गाते हैं कि उनका गाना सुनने की इच्छा नहीं होती। और छोटे छोटे गजल कव्वाली गाने वाले ऐसे सुर में वैसे तरह से गाते हैं कि जो कि आत्मा को चैन मिल जाता है। एक घटना मैं बतला दूं, अगले साल मैं अमेरिका में था, पाकिस्तान भी दिखाना शुरू कर दिया। तो बहुत दिन तक शाम को बैठ के अपने बेडरूम में देखते देखते, मालिक की मेहरबानी हुई, आज से करीब 10-15 दिन पहले नुसरत साहब की कव्वाली आ रही थी और हमने सुना, क्योंकि हमको सुनने का बड़ा शौक था कि नुसरत साहब कैसा गाते हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी तबीयत खुश हुई। इनके गाने का पद्धति, इनका सरगम, इनका तान, इनके साथ एक छोटा बच्चा भी गा रहा था, वो भी बांसुरी बहुत अच्छा गा रहा था, और हमें बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने एक ऐसी कला को वो स्थान दिया है। जैसे
हमारे हिंदुस्तान में बिस्मिल्ला खान ने शहनाई जैसे बाजा को आसमान पर उठा के रख दिया, हरिप्रसाद चौधरीसिया ने बांसुरी जैसे बाजा को उठा के आसमान पर पहुंचा दिया, वैसे कवाली जैसे चीज को नुसरत फतेह अली खान ने वो सवाब और वो इज्जत बख्शी है जो कि देना बड़ा मुश्किल है। मालिक इनको अच्छा रखे। अभी तक तो पाकिस्तान से अधिकतर शास्त्रीय संगीत गाने वाले हिंदुस्तान में बहुत आए, जिसमें नजाकत अली, सलामत अली और दो भाई अमानत अली, फतेह अली, बड़े गुलाम अली खान साहब और भी ऐसे कई लोग आए। मगर एक कव्वाली को लेकर के आज जो इज्जत हासिल किया है हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब ने, वो बड़ा मुश्किल काम है। मालिक इनको नाम रोशन और अब ऊंचे जगह पहुंचावे, जो कि ये उस कला को भी आसमान पर रखे रहें, ये हमारी उम्र के हिसाब से ये हमारी दुआ है। देखिए, एक बड़ा भारी भ्रम है हिंदुस्तान के कलाकारों को, वो भ्रम हम दूर कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस धरती पर आकर के उनके लिए एक शब्द बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, तानसेन जी के लिए। अब वो ये है कि लोग कहते थे कि तानसेन जी सिर्फ ध्रुपद गाते थे, ये बिल्कुल झूठी बात, गलत बात है। वो ध्रुपद भी गाते थे, ख्याल भी गाते थे, ठुमरी भी गाते थे। इसका प्रमाण हम इतना बड़ा दे सकते हैं कि जिसका कोई काटने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। सूरदास जी ने एक लाइन लिखा था तानसेन जी के लिए कि विधना यह तुम भल कियो, विधना यह तुम भल कियो कि शेष न दीन्हो कान, या ब्रह्मा तुमने बड़ा अच्छा किया कि शेषनाग को कान नहीं दिया, क्योंकि सांप को कान नहीं होता। तो विधना यह तुम भल कियो कि शेष न दीन्हे कान, और नहीं धरा भूमि सुन डोलते तानसेन की तान। ये तान का जो शब्द है, आप बतलाइए ध्रुपद में ये वर्जित है कि नहीं? मगर धरा भूमि सुन डोलते तानसेन की तान, तो तान का मतलब ये हुआ कि तानसेन जी ख्याल भी गाते थे, ठुमरी भी गाते थे। और जो अच्छा कलाकार है वो कोई ये बात नहीं कि दरबारी कान्हा बजा दे तो कहिए पीलू नहीं बजा सकता। तो इसलिए तानसेन जी की धरती पर ये भी रहस्य मैंने आप लोगों को बतला दिया है कि तानसेन जी सब कुछ जानते थे और वो संपूर्ण कलाकार थे, उनके जैसा कलाकार पैदा होना मुश्किल है। ईश्वर हम सब लोगों को उनके धरती का धूल मस्तक पलगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन, और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उस्ताद हाफिज अली खान साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही जैसे किसी आदमी को बड़ी भूख लगी हो और उसके थाली में दो रोटी रखी हो और उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति आ जाए कि उसको एक रोटी दे देना पड़े, तो वो बहुत अजीब हालत में हो जाता है। ठीक उसी हालत में आज हमने अपने पिताजी का तबला अमजद अली खां के प्यार की वजह से इनको भेंट कर दिया है, जो कि तबला हमारे प्राणों से बढ़ के वो तबला था जिसको हम रोधुबत्ती दिखलाते थे और उसी का ध्यान कर करके बजाते थे। मगर इनका प्यार ऐसा हमारे ऊपर है कि इन्होंने जब कहा कि किशन भैया हमें महाराज जी का एक तबला चाहिए, तो वो तबला हमने उठा के दे दिया जो 100-200 वर्ष पहले का बना हुआ। उस साइज का तबला अभी बन जाए तो बड़े बड़े कलाकारों से जल्दी बजेगा नहीं, इतना चौड़ा उसका मुंह है। मगर प्यार सब कुछ ले लेता है। अमजद अली के लिए तो हमसे वो प्राण भी मांगे तो हम अपना देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।